ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिसमें आज स्वर्ण पदक से लेकर कांस्य पदक हर पदक का तो सम्मान हुआ। ये महिला हॉकी टीम का सम्मान, सोचिए वो महिलाएं जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी उन मैचेस में, दिल जीता हिंदुस्तानियों का, क्योंकि खेल का जज्बा था, वो जुनून जिसके साथ वो ओलंपिक्स में पहुंची थी वो दिखाया। और कितने लोग उस दिन आंसुओं से रो रहे थे, लेकिन इस खुशी से, गर्व से, सम्मान से, आइए आपको लिए चलते हैं। हमारी दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ चित्रा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं अशोका होटल से ही, और वहीं से नवजोत हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं। चित्रा, आज बड़ा मजेदार नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैंने उस दिन से आज तक पॉकेट में ही अपना गोल्ड मेडल रखा है, और जब जब वो निकाल के दिखा रहे थे जी नहीं भर रहा था, बगल में खड़े मंत्री जी ने कहा कि एक बार और निकाल के दिखा दो। ये वो जोश है, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता एक खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा की अंजना जो सोच है वही सोच पूरे हिंदुस्तान की भी है, क्योंकि बार बार उस गोल्ड मेडल को पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। हम सब जानते हैं जब उन्होंने इसको जीता था उसके बाद पूरी रात तकिए के नीचे लेकर उन्होंने गोल्ड मेडल सोए थे, और उसके अगले दिन भी जहां जाते थे उस मेडल को जरूर दिखाते थे। जितने बार कैमरे के सामने आए नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल दिखाया, और आज ये मंच तो बेहद खास था। देखिए, जिस क्षेत्र में उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि कामयाबी हासिल की है वहां पर पहले इस तरह का चमत्कार नहीं हुआ, और यकीनन इसके पीछे 23 साल के नीरज की कड़ी मेहनत है, क्योंकि उनकी वीडियोस जिस तरह से वायरल हो रहे हैं हम सब जानते हैं, उस वीडियोस को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब पूरे के पूरे देश को वो आसमान पर उठा लेता है। और वही चित्रा में आपके पास वापस लौट रही हूँ, नवजोत जहाँ पर मौजूद है, नवजोत के पास ही तमाम खिलाड़ी है। नवजोत, आप अंदर मौजूद है, कुछ खिलाड़ी निकल रहे हैं क्या, अगर उनसे बात कर पाए नवजोत? बिल्कुल अंजना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, कोशिश मैं पूरी करूंगी कि मैं बात कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर एक एक करके अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई, हालांकि गिन के 5 ही कदमों का फासला है इसकी तरफ, लेकिन 5 कदमों को एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है बाहर, ताकि कोई किसी से ना कर पाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ कहेंगे? जो जोश, जज्बा, जुनून था उसने पदक जिताने तक पहुंचाया और ओलंपिक तक पहुंचाया है, और बहुत सारे भारतीयों में वो आखिरी जगह है। देखिए, खिलाड़ियों का कारवां निकल रहा है तो वहां पर बातचीत करना भी खेल मंत्री के लिए मुश्किल बन पड़ रहा है, क्योंकि वहां पीछे से नीरज चोपड़ा गुजर रहे थे। ये मेरा नहीं, ये पूरे देश का मेडल है, ये कहा है नीरज चोपड़ा ने, और वो खुद क्या कह रहे हैं भाई आपको सुना। बॉय कहा जा रहा है देश का, वो निकलते हुए वहां से मीडिया से कुछ बातचीत कर पाते हैं। दरअसल बहुत बड़ा हुजूम यहां पर भी लोगों का पहुंचा हुआ है, और देखिए वही सेल्फी हर कोई उनके साथ लेना चाहता है। नीरज चोपड़ा की तो कामयाबी की कहानियां लिखी जाएंगी, और जब बात हुई मिल्खा सिंह की एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल की, तो बड़ा ही भावुक लम्हा था जब पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी चर्चा की कि कैसे एक वक्त पर मिल्खा सिंह ने कहा था कि मेरे जीते जी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिले, लेकिन चलिए अब नीरज चोपड़ा ने वो सपना पूरा किया है। हर कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल। मेहनत करूंगा, वो आगे और भी मेहनत करने की बात करते हुए और मेहनत करके आगे और मेडल जीतते हैं। बस अगले जो भी गेम्स होंगे जूनी पे बढ़िया करेंगे। हाँ जी, रुक जाओ। नवजोत, वहां से नीरज चोपड़ा निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं आगे और भी मेहनत करूंगा और भी मेडल्स लाऊंगा। दरअसल वहां पर काफी लोग पहुंच चुके हैं और वहां से लाइव भी करना मुश्किल हो रहा है। चलते हैं एक बार फिर से चित्रा के पास। चित्रा, नीरज ने बड़ी दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि जब आप भारत से निकलते हैं इस तरह के गेम तक पहुंचते हैं, और मैं 4th था वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन मैंने बस ये माना कि अपने प्रतिद्वंदी को मैंने उनसे डरा नहीं मैं। ये भी अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज होता है कि आप ओपोनेंट को देखकर घबराएं नहीं,
और इसीलिए उन्होंने कहा कि अपना 100% दिया, घबराया नहीं और जीत लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, सारा का सारा फोकस उनका अपने खेल पर ही था, इसी वजह से प्रतिद्वंदी चाहे कोई भी हो, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है और वो थ्रो जिसके बाद पलट के वो उसको देखते नहीं है और दूसरी तरफ मुड़कर कैमरे की तरफ अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, वो अपने आप में बेहद अद्भुत रहा। और हीरो को यूं ही नहीं बन जाता अंजना, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है नीरज चोपड़ा की, देखिए उनकी बातों में वो जो आत्मविश्वास था वो साफ साफ झलक रहा था। इसके पीछे की हालांकि उनकी मेहनत भी है, देखिए आज नीरज चोपड़ा का फैन पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, उनकी कामयाबी के किस्से लगातार हम सुना रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है और अलग अलग साइट्स पर जाकर गूगल में उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी है, यहां तक कि उनके ट्विटर को फॉलो करने वाले लोगों की भी अचानक से तादाद कहीं ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत रही है नीरज चोपड़ा की, उसको नहीं भूलना चाहिए। जब उनके पास कुछ नहीं था, शून्य से शिखर तक का सफर उनकी ओर से तय किया गया है और इसके पीछे कितनी मेहनत, सोचिए बचपन में वो मोटे थे, उसके बाद उनको खेल के क्षेत्र में लाया गया, लेकिन आज उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है और उसके जो वीडियोज सामने आ रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है और यकीनन इसी वजह से आज कामयाबी के शिखर पर नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं। एक और दिलचस्प बात अंजना, जब फिल्म को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी बायोपिक को लेकर अब बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि आपको ही उसमें हीरो रखा जाए क्योंकि आप दिखते भी बिल्कुल वैसे हैं, तो उनकी ओर से कहा गया कि देखिए अभी मेरी उम्र कम है, अभी मुझे सारा का सारा फोकस अपने खेल पर देना है और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा इससे तब मेरे ऊपर फिल्म बने तो हो सकता है उसमें कुछ नई चीजें भी निकल कर सामने आए। तो एक खिलाड़ी यूं ही महान नहीं हो जाता, सब चाहते हैं कि उनको ग्लैमर मिले, शोहरत मिले, ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और फिल्मी दुनिया के बड़े पर्दे पर आने के बाद तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अभी इससे अपने आप को दूर रखना है, मुझे अपना सारा का सारा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं होता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना यकीनन हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का सपना उनकी ओर से पूरा किया गया है, लेकिन इसके बाद आने वाले महीनों में अगर हम देखें तो कई गेम्स होने हैं जिसमें उम्मीदें नीरज से वही रखी जाएंगी और आज उनकी भाषा, उनका जो संयम दिखा, उन्होंने जिस तरह का हुनर दिखाया उसके जरिए भी कहा जा सकता है कि ये अभी बहुत ज्यादा कमाल करने वाले हैं हिंदुस्तान के लिए। अभी सिर्फ 23 साल है, उम्र भी इनके पास है, अनुभव भी हो गया है ओलंपिक का, गोल्ड मेडल हासिल करके अपने प्रतिद्वंदियों को कहीं ज्यादा पीछे पछाड़ कर रेस में सबसे आगे खड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा, तो उम्मीद उनसे कहीं ज्यादा। आज मेरे उनके पिता से बात हो रही थी, वो काफी ज्यादा भावुक हो रहे थे जब वो अपने गाँव से नीरज को मुलाकात करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे थे, वो बार बार भावुक हो रहे थे और यकीनन पिता के लिए, पूरे परिवार के लिए, क्योंकि परिवार का एक लंबा संघर्ष रहा है और उस संघर्ष से शिखर तक पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा। शायद यही वजह है कि आज हर किसी की जुबान पर इस गोल्डन बॉय का नाम है, निकनेम उनका यह हो गया है, आप सर्च करेंगे तो इसे नाम से वो आपको दिखाई देंगे। और उनके 2017 इसके पहले के भी ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जोश और जुनून नीरज चोपड़ा के शब्दों के जरिए निकलकर सामने आया वो अपने आप में अद्भुत है। एक छोटा सा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए अपने बड़े सपनों को आकार देने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था, और कहते हैं ना कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही हो और उसको भेदना हो और आप मेहनत भी करना जानते हो तो यकीनन आप नीरज चोपड़ा बनेंगे और उतनी बड़ी लकीर आज हिंदुस्तान में उनकी ओर से खींच दी गई है अंजना। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि एक के बाद एक पदकवीर सब मंच पर थे, अंत में जब महिला हॉकी टीम को खास स्वागत करके वहां बुलाया गया तो वो एक अजीब सा लम्हा था, क्योंकि ये वही टीम थी जिसने सब कुछ पूरी ताकत झोंकी और कई सपनों को जिंदा किया है आने वाली पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सब वो आखिरी मैच मुकाबला देख रहे थे और पूरी उम्मीद थी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएगी हमारी टीम, जिस तरह से शुरुआती गोल करने में हम कामयाब रहे थे, लेकिन बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि किस्मत हमारे साथ नहीं होती, लेकिन हमने देखा था हमारी टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया था, कहीं भी एक वक्त ऐसे नहीं लगा कि हमारी टीम प्रतिद्वंदी टीम पर कहीं भी हल्की पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ मैदान की अगर हम देखें तो हमारी लड़कियों ने, इन बेटियों ने कमाल का प्रदर्शन किया था और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसमें 80% वो लड़कियां हैं जो बहुत गरीब परिवार से आती हैं, जिनके पास हॉकी खेलने के लिए, हॉकी के स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस बात को समझिए कि ये लोग कहां से आई हैं, कहां से कितना बड़ा सपना देखा और आज उस सपने को भले ही हमें मेडल नहीं मिल पाया हो, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन इनका रहा है वो अपने आप में अद्भुत रहा है। चक दे इंडिया तो हमने फिल्म में देखी थी, लेकिन जिस तरह से कमाल चक दे के जरिए इनकी ओर से किया गया वो अपने आप में शानदार रहा है। एक एक खिलाड़ी, जितनी भी हमारी महिला हॉकी टीम की है, एक एक खिलाड़ी का अगर आप बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए
अंजना, कोई मजदूर की बेटी आपको मिल जाएगा, किसी के पास हॉकी के लिए स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो पुराने टूटे फूटे स्टिक से ऐसे ही प्रैक्टिस किया करती थी, तो किसी की नजर पड़ गई तो उनको ऐसे ही दान में दे दिया गया कि आप कीजिए। खुद अगर हम कप्तान की बात करें, वो भी एक बहुत सामान्य परिवार से आती है, लेकिन कहते हैं कि जब आपके अंदर जुनून हो और जब आप बड़े सपने देख रहे हो, जब आप अपनी पीढ़ियों को बदलने का मादा रखते हो, तो उस जुनून के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इसी तरह से टीम कहलाएंगे जिनके ऊपर हिंदुस्तान की नजरें हैं। और यकीनन इन बेटियों ने जो सपना दिखाया है, आगे आने वाले वक्त में न सिर्फ हमें मेडल मिलेगा बल्कि इसके बाद जो कमाल हिंदुस्तान करेगा उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की है। देखिए, 7 मेडल हमारे पास आए, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा और भी कई ऐसे फील्ड थे जहां पर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन कई बार होता है एक छोटी सी चूक हो जाती है तो हम गेम में पीछे हो जाते हैं। और खासतौर से हॉकी में हम सब ने देखा था कितने करीब जाकर हमारी ये टीम हारी, इसी वजह से आज उनको खासतौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया। सबसे पहले आते ही उनसे केक कटवाया गया और सभी ने उनका हौसला भी बढ़ाया है। और यकीनन शानदार प्रदर्शन इन तमाम खिलाड़ियों का, और इनके ऊपर अगर कहानियां लिखी जाएंगी, फिल्में बनेंगी, अभी भी हैं बहुत सारी, लेकिन कहते हैं कि बड़े पर्दे की कहानियां जो अपना असर काफी दूर तक छोड़ जाती हैं, तो वो जो गरीब घर की बेटियां हैं, जो मध्यम परिवार की बेटियां हैं, जो बड़े सपने लेकर आकाश की ऊंचाई को तय करना चाहती हैं, इनकी कहानियों को सिर्फ अगर वो पढ़ लेंगी ना, तो यकीनन उस आसमान को बस छूने के लिए उनकी भी कोशिशें उसी तरह से जारी रहेंगी। तो ओलंपिक में मेडल विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहा स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ने, सुनिए। गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है, और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं ऐसे ही इस स्वर्ण का दीदार सभी करते हुए नवजोत, आपने सब कुछ वहां पर देखा है, जल्दी से बताएं कैसा अनुभव, क्योंकि इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं अंजना, इससे बड़ा दिन मुझे लगता है शायद हो भी नहीं सकता, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे कि इससे भी बड़ा दिन आए जब हिंदुस्तान के पास एक से ज्यादा मेडल हो। देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, वो सारी चीजें आप बता चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ उसी हॉल में मौजूद हूँ। फिलहाल आपको बता दूं कि ये वही मंच था जहाँ पर तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, और वो हम लोगों ने लाइव भी देखा था। और इसके बाद अब इसके ठीक सामने डिनर हॉल है जहां के लिए खिलाड़ी जा चुके हैं। और यहां पर देखिए, टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं का अभिनंदन समारोह, इसके साथ ही साथ उन तमाम पदक विजेताओं की तस्वीरें भी यहां पर आप देख सकती हैं, सभी पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो रही, देखिए मीराबाई चानू है, बजरंग पुनिया है, लवलीना है, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, और नया इतिहास बैडमिंटन में भी पीवी सिंधु ने रचा है, तो ये भारतीय महिला बैडमिंटन। बिल्कुल, आप दोनों का धन्यवाद नवजोत, वक्त की कमी है, लेकिन जिस जोश के साथ खिलाड़ी आज यहाँ पर डटे रहे, वैसे ही हमारे रिपोर्टर्स भी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।